छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार लोगों के बीच जाकर जो दुष्प्रचार कर रही है वो सब झूठ है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, जिनमें से हमारी सरकार ने करीब 90% वादे पूरे कर दिए हैं, जबकि अन्य पर काम जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर वादा खिलाफी के आरोप लगा रही, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने उन पर हमला बोला है। यह पत्रकार वार्ता लेने की नौबत इसलिए आई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम घूम के पूरे प्रदेश में दुष्प्रचार कर रहे हैं और कल से उनके द्वारा महासमुंद से गंगा जल सम्मान यात्रा निकाली गई है और इस पत्रकार वार्ता में उनके द्वारा इस कार्यक्रम में उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 में एक पत्रकार वार्ता लेके यह वादा किया था, गंगा जल की कसम खाया था कि जो उनके जन घोषणा पत्र के वादे हैं उन सारे वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के वादों के लिए गंगा जल उठा के कसम खाया था, जबकि हकीकत यह थी कि जो उस दिन पत्रकार वार्ता हुई थी उसमें जो कसम खाई गई थी वह कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसानों की कर्ज माफी के लिए खाई गई थी। उस पत्रकार वार्ता में तत्कालीन चेयरमैन आदरणीय शैलेश सत्यन त्रिवेदी जी उपस्थित थे, उस पत्रकार वार्ता को उन्होंने ही कंडक्ट किया था। उस पत्रकार वार्ता में उस समय के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री आरपीएन सिंह जी उपस्थित थे, जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के उस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाया था और इस बात के लिए कसम खाया था कि हमारी सरकार बनने के 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और यह बड़े सौभाग्य की विषय है कि उस कसम की लाश हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने रखा और पहला जो निर्णय हुआ कांग्रेस पार्टी की सरकार का, किसानों का कर्जा माफ किया गया। मित्रों, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज जितने भी वादे कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र के हैं, हमने 36 वादे किए थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन 4 सालों में अपने 36 में से 90% से अधिक वादों को पूरा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में मुद्दा विहीन है, जिसके पास में अपनी बातों को रखने के लिए कोई प्रभावी कारण नहीं है, उनकी बातों को जनता भरोसा नहीं करती है, गंगा जल को लेकर गंगा जल के नाम की दुहाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायपुर से अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं। अखिलेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आरोप लगाया था वादा खिलाफी का कांग्रेस के ऊपर, इस पर कांग्रेस ने सफाई दी है, इस पर इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए संदीप, एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कलश यात्रा निकाला है बेरोजगारी शराबबंदी को लेकर, क्योंकि इस तरीके की शराबबंदी की बात को कांग्रेस ने पहले प्रक्रिया था गंगा जल में रख करके शराबबंदी शराबबंदी नहीं होने की वजह से भाजपा ने चुका है, इसका असर देखने को मिल रहा है। असर इस तरीके है कि वो कांग्रेस बता वाले की शराबबंदी गंगा जल लेकर किए हुए थे, लेकिन ये स्पष्ट भाजपा वाले एक अलग तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जो शराबबंदी करने की जो प्रक्रिया है उसमें गंगा जल लेकर हाथ में गंगा जल लेकर जो कसम खाए थे उसको नहीं निभा पाए हैं। लेकिन कांग्रेस ने आज सफाई देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ तक की बात है कसम गंगा जल लेकर खाए कि हम जो समर्थन मूल्य है 2500 रुपए करेंगे और इसके अलावा जो किसानों का जो ऋण है उसको माफ करने की जो बात कही गई थी वो गंगा जल खाया गया था। तो निश्चित तौर पर उस समय से अगर संसार की बात की जाए तो शैलेश त्रिवेदी का कांग्रेस है और वो सीधा अगर उनका सीधा आरोप है कि अगर अगर कांग्रेस पार्टी से अगर माफी नहीं मांगते हैं तो निश्चित तौर पर उसको कानूनी कार्रवाई की भ्रमित और अधिक करने भ्रमित करने का आरोप। अखिलेश, एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सामने आई कि कर्ज माफी को लेकर मुद्दा उठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या किसानों का जो कर्ज था वो माफ हो पाया पूरी तरह से? हालांकि उसमें कहा गया कि जो भी वादे थे जब हमने किए थे उन पर 90% तक काम हो चुका है, वो कौन से वादे उन्होंने किए थे जो पूरे नहीं हो पाए अभी तक? देखिए
देखिए जो शराबबंदी की जो बात कही गई थी, रोजगार की बात कही थी, वो अभी तक पूर्ण नहीं बताए हैं, लेकिन कई ऐसे जो काम है जो निश्चित तौर पर जो घोषणा पत्र किया गया है उसका कार्य हो गया है, चाहे बात की जाए आपके समर्थन मूल्य में धान खरीद की बात की जाए या फिर आपकी पदमाफी को लेकर के बात की जाए, जिसके साथ ही इसमें कांग्रेस पार्टी के सत्ता आने के बाद इसमें सफलता हासिल की गई है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे जिसको अब तक की कारगर साबित हुए हैं, जिसके कारण ही जो बीजेपी है वो निश्चित तौर से कांग्रेस पलटवार करती है और लगातार जनता के पास जाकर के कांग्रेस के बारे में बात रख रही है। घोषणा पत्र में किया गया था नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आप बार हम भाजपा वालों को ताकि हम आप लोगों को सेवा कर सकते आत्मा की जानकारी देते जा रहे हैं, लेकिन एक बात और चाहूंगा की कांग्रेस सत्ता में आने पहले ही आप जो पूर्ति है घोषणा पत्र है उसके शपथ तक लगभग 45% तक पूर्ण कर दिए हैं, लेकिन कई ऐसे जो घोषणा पत्र में जो देखे जो पूर्ण नहीं होता है उसी के चलते विवाद खड़ा है।